रमज़ान शुरू होते ही अहले ईमान इबादात में मसरूफ़ हो जाते हैं। इबादात के लिए इस्तेमाल की जाने वाले जाय नमाज और तस्बीह पर देखते हैं। नताशा रहमान की रिपोर्ट। रमजान मुबारक, रहमतों और बरकतों का महीना। हर किसी की कोशिश होती है कि वो इस माह मुबारक में नेकियां समेटे। मुकद्दस महीने में जहां दिलों की कदूरतें और जहनी फतूर दूर हो जाता है, वहीं अहले ईमान अपने रब को ज्यादा से ज्यादा याद करते हैं। जाय नमाज और तस्बीह इबादत के लिए इस्तेमाल होने वाली मुतबरक अशिया हैं। माह रमजान में लोग खुशनुमा रंगों के जाय नमाज और तस्बीह खरीदते नजर आते हैं। दुकानदार कहते हैं कि रमजान में जाय नमाज और तस्बीह लेने के लिए इनकी दुकानों का रुख करने वालों की तादाद ज्यादा हो जाती है। रमजान में हमारा आम रूटीन से ज्यादा होता, थोड़ा बिजनेस ज्यादा बढ़ जाता है। मस्जिदों में लोग दरियां सफे जाय नमाज डोनेट करते हैं, रखवाते हैं ज्यादा। ईमान वालों में जाय नमाज और तस्बीह की अपनी अहमियत है, तभी तो इस माह ये बतौर तोहफा भी दिए जाते हैं। रमजानुल मुबारक में जहां इबादात का सिलसिला ज्यादा हो जाता है, वहीं तस्बीह और जाय नमाज के कारोबार से मुंसलिक अफराद की भी चांदी हो जाती है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़।